नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से कैंसर में सिकाई के लिए प्रयोग की जाने वाली कोबाल्ट मशीन के चोरी हो जाने के संबंध में शिकायत पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से कैंसर के मरीज मेडिकल कॉलेज के कैंसर यूनिट में कोबाल्ट मशीन से इलाज कराने आते थे। पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज से कोबाल्ट मशीन चोरी हो गई थी। दिसंबर में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय, अशोक सक्सेना, रघुराज शर्मा, राजेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच करवाए जाने की मांग की थी। मशीन चोरी होने की जांच कमेटी और FIR हुए, 8 माह हो गए पर ना तो जांच आगे बढ़ी ना ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र से कैंसर यूनिट को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। विभाग मेडिकल कॉलेज से कोबाल्ट मशीन चोरी हुई थी जिससे कैंसर की सिकाई का इलाज होता था। ये एक अकेली मशीन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में थी जो गरीब लोगों की कैंसर का इलाज किया जाता था। 9 अक्टूबर 2020 को ये मशीन चोरी हो गई। 25 दिसंबर को अनेक अखबारों ने, आप लोगों ने भी इसको बीच में उठाया, कुछ नहीं हुआ। 25 दिसंबर को जब हम लोगों ने DM साहब को यहाँ जाके घेराव किया तो उन्होंने इसमें जांच बैठा दी ADM की अध्यक्षता में। 31 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज की तरफ से 2.5 महीने बाद फिर FIR करी जाती है कि मशीन चोरी हो गई। 8 महीने हो गए ये मशीन गई का। हमको सूचना के अधिकार में दिया गया है कि मशीन कभी ख़राब नहीं रही, मशीन बिल्कुल ठीक थी, मशीन गलत ले जाई गई। और जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इस विभाग की, उनको ही नहीं मान लो मशीन कब निकले जाई गई। मशीन एक बड़े ट्रक में जा सकती थी, इतनी बड़ी मशीन। आज अभी हम लोग कप्तान साहब से मिले क्योंकि FIR हो चुकी है और चौकी इंचार्ज विश्वविद्यालय इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो कप्तान साहब ने डो टू कहा कि या तो मशीन वापस आएगी या जिन लोगों ने इसमें कुछ गड़बड़ किया है उनको गिरफ्तार किया। UFT News 24 के लिए झांसी से अंसर हुसैन की रिपोर्ट।